हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई ट्यूटोरियल ऑफ विनायक इंटर कॉलेज खजुराहाट अयोध्या। माय नेम इज ब्रजेश चौरसिया एंड आई विल टीच यू क्लास 10th फिजिक्स। पिछले वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश, प्रकाश स्रोत तथा प्रकाशिक माध्यम के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम प्रकाश किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज तथा समांतर प्रकाश पुंज। सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं सभी एक बिंदु पर मिल रही हैं, ये अभिसारी प्रकाश पुंज हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें देखते हैं सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये अपसारी प्रकाश पुंज हैं। अब देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें जितने भी किरणें हैं सभी एक दूसरे के समांतर हैं, ये समांतर प्रकाश पुंज हैं।